जय श्री श्याम। तो प्रेमी भगत जनों, आज का प्रश्न हमसे पूछा है सुनंदा भास्कर जी ने चोरू राजस्थान से। सुनंदा लिखती हैं कि गुरुदेव, मैं बचपन से ही खाटू श्याम की पूजा करती हूँ और उनसे एक प्रेम का भाव रखती हूँ। मुझे काफी साल हो गए कि मैं बाबा के दरबार पे भी जाती हूँ और घर पर भी उनकी पूजा अर्चना करती हूँ। उनकी भक्ति में बहुत आनंद आता है और परिवार में एक ताजगी का, एक सादगी का, एक सुख शांति का और अनुशासन का माहौल हमारे रहता है। लेकिन गुरुदेव, बरसों बरस साधना करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद भी अभी तक मैं बाबा के अंश नहीं प्राप्त कर पाई हूँ। मैं अनेक लोगों को देखती हूँ जहाँ बाबा के दरबार लगते हैं और वहाँ पे अनेक लोगों के कष्टों का नाश किया जाता है, लोगों की नेगेटिविटी को, भूत प्रेत इत्यादि को बाबा भगाते हैं। मैं खाटू श्याम के दरबार भी जाती हूँ, वहाँ पर भी अनेक भगत जन अपनी संगत से हित आते हैं, जो कि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में संगत लेकर आते हैं, जिनके काम बाबा श्याम ने बनाए। ऐसे लोगों को देखकर मेरा भी मन करता है कि मैं भी बाबा की साधना करूं और उनके अंश प्राप्त करूं, उनके नाम से दरबार की स्थापना करूं और चौकी लगाऊं। गुरुजी, मेरा कोई अब तक गुरु नहीं है, मैंने कोई गुरु धारण नहीं किया। मैं खाली बाबा की नॉर्मल पूजा करती थी, सुबह शाम पूजा, आरती, धूप दीप आदि देकर उनको प्रणाम करती थी। कृपा करके मुझे बाबा श्याम की सिद्धि की कोई मार्ग बताइए जिससे कि मैं उनकी सिद्धि कर सकूं। वह मेरे अंश के रूप में, मेरे शरीर में, मेरे घर में आ जाएं, विराजमान हो जाएं और हमें दरबार की प्राप्ति हो। मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहती हूं, आपसे दीक्षा लेना चाहती हूं, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। तो बेटा सुनंदा, बाबा खाटू श्याम जो हैं, वह कलयुग के एक अवतार है। भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण रूप से उनके ऊपर हाथ है और उन्हीं के वरदान से वह आज खाटू नगरी में ऐसे दरबार की स्थापना हुई जो कि विश्व विख्यात हो गया। दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों के लिए खाटू श्याम एक बहुत ही महत्वपूर्ण देवता है। इनके विषय में एक दो चीजें और बता देना चाहता हूं। यह बहुत तीव्र कार्य करते हैं, एक मिसाइल की तरह कार्य करती है इनकी शक्ति, कि बटन दबाया और टारगेट को ढेर कर दिया। मैंने भी खाटू श्याम की साधना की है। मैं भी 14-15 साल की अवस्था में था, उस समय भक्ति की लाइन में मैं कदम रख चुका था। तो मैं बाबा खाटू श्याम के भजन कीर्तन भी गाता था, अनेक जगह दरबारों में, चौकियों में मैं जाता था जहां पर बाबा खाटू श्याम के भजन गाता था, और उनके दरबार में भी लगातार जाता था, उनके मंत्र का जप करता था और मैंने उनकी सिद्धि को प्राप्त किया था। वो तो समय के साथ बदलाव होता चला गया, हम आगे योग मार्ग में आए, योग मार्ग में आने के पश्चात तंत्र मार्ग में आए और देवी काली और बाबा गोरखनाथ के हम पंथ में गए। इसके पश्चात खाटू श्याम जी की सेवा आदि मेरी छूट गई थी, लेकिन मैंने कम से कम 4-5 साल इनकी साधना और सिद्धि प्राप्त की, जिससे मैंने अनेक कार्य किए। शायद वह एक बेस था जिसकी वजह से आगे की मेरी भक्ति की, आध्यात्मिक जीवन की यह इमारत बनकर तैयार हुई। तो बाबा खाटू श्याम जो हैं, वह बहुत तीव्र देवता हैं। इनकी साधना करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा और यह जरूरी भी है। यह जितनी तेज गति से काम करते हैं भलाई के लिए,
गलती हो जाने पर उतना ही तीव्र गति से यह अटैक भी करते हैं। इनका कोई भगत चाहे कितना भी बड़ा भगत हो, कितना ही इनका पूजा आदि करता हो, यदि उससे कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, तो फिर यह उसे छोड़ते नहीं है, तुरंत उसको पटक देते हैं, उसको खाट में डाल देते हैं, बेड में डाल देते हैं, बीमार कर देते हैं, घर में कोई नुकसान हो जाता है, दंड बहुत तेजी से देते हैं। इसका यह कारण भी हो सकता है कि इनके खून में उबाल है। एक तो यह भीम के वंशज हैं, दूसरा हिडिंबा के कुल से आते हैं जो कि आदिवासी कुल थे, वहां से आने के कारण इनके खून में बहुत गर्मी है और यह बहुत तेज गति से वार करते हैं। तो खाटू श्याम की साधना करने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको इस चीज के लिए तैयार रहना होगा। जितनी जल्दी यह आपकी मदद करते हैं, उतना ही जल्दी यह आपको दंड भी दे देते हैं। तो इनकी साधना आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आप बचपन से इनकी पूजा कर रही है तो यह आपके इष्ट देव हो गए हैं, आपके मन में आपकी वाणी में इनके नाम से प्रेम और सुगंध निकलती है, तो आपको जरूर करनी चाहिए खाटू श्याम की साधना। हम आपको दीक्षा भी देंगे और साधना भी देंगे। आपके आग्रह पे हम इस वीडियो में उन सभी लोगों के लिए यह साधना बता रहे हैं जो कि खाटू श्याम की भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण के भगत हैं, या फिर जिन्हें इस बाबा का दरबार चलाना है, इसकी चौकी लगानी है। इनकी साधना बताने से पहले मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, इनकी साधना में बालाजी भी साथ चलते हैं। बालाजी मतलब हनुमान जी, खाटू श्याम हनुमान जी ये जोड़े में चलते हैं। जहां भी इनका दरबार लगता है, भगत जिसमें बाबा खाटू श्याम की सवारी आती है या आप कह लीजिए उनके अंश आते हैं, साथ साथ बालाजी भी सिद्ध होके आते हैं, क्योंकि हनुमान जी भगवान शिव के अवतार है और भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार है। जब भी विष्णु ने अवतार लिया है तो भगवान शिव जरूर आए हैं उनकी सेवा करने। इसके अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। जब विष्णु जी राम के रूप में आए तो वह हनुमान बन के आए, कृष्ण जी के रूप में आए तब भी हनुमान जी उनके साथ थे, क्योंकि हनुमान जी तो अमर हैं, वो तो चिरंजीवी हैं, वह साथ नहीं छोड़ते हैं इस भगवान का। तो अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि कलयुग में श्याम जी के नाम से तुम्हारी पूजा होगी, तो हनुमान जी इनके साथ ही चौकी चलती है। तो इन दोनों देवताओं की साधना इकट्ठी की जाती है तभी आपको सफलता मिलेगी। और इनकी शक्ति विशाल है, क्योंकि यह एक वीर है और जो वीर होते हैं वह जद्दी होते हैं, वह युद्ध में भी पीछे नहीं हटते थे और अब भी पीछे नहीं हटते हैं। चाहे कितनी बड़ी समस्या हो, यह पीछे नहीं हटते हैं, यह उड़नबाज होते हैं। इनकी शक्ति पल में मन की गति के साथ कार्य करती है। तो यह खाटू श्याम जी की साधना के विषय में था। जो भगतजन नए हैं, जिनको इनके बारे में नहीं जानकारी है, वैसे तो हो नहीं सकता कि इनके बारे में जानकारी न हो किसी को, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, उत्तर पूर्व के राज्यों में या दक्षिण में है, उनकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा बता देता हूं। जो ये खाटू श्याम है, इनको खाटू श्याम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें इनकी एक भी चीज नहीं है। देखिए, खाटू जो है वह जगह का नाम है, उस गांव का नाम है जहां पे इनका दरबार है। पहले इनको खाटू वाले श्याम बोला जाता था, अब सीधा खाटू श्याम कहने लगे। तो खाटू तो जगह का नाम है और श्याम जो है वह वरदान के रूप में श्री कृष्ण ने इनको दिया था कि बेटा कलयुग में मेरे नाम से तेरी पूजा होगी और मेरी शक्ति तेरे वहां काम करेगी, क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण के कहने से अपने सर को दान कर दिया था, अपना सर काट के उनके चरणों में रख दिया था। इस विषय में भी थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, बात शुरू होती है महाभारत से, जहां पे कौरव और पांडव वो जुआ खेलते हैं, जिस जुए में द्रौपदी को भी हार जाते हैं और राजपाट भी हार जाते हैं। तब उनको 13 साल का अज्ञातवास दिया जाता है। अब 13 साल का अज्ञातवास वह काटने के लिए इधर उधर घूमते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, छुप के रहते हैं,
वह पहुंच जाते हैं हिमाचल में। हिमाचल में काफी सालों तक वह रहे हैं। वही मनाली के पास जंगलों में हिडिंब नामक एक आदिवासी रहता था, जो बहुत शक्तिशाली था। उस अक्षेत्र में उसका राज चलता था। अब जब पांडव वहां पहुंच जाते हैं तो जाहिर सी बात है, यदि किसी के राज्य में दूसरा शक्तिशाली वीर पहुंच जाता है तो फिर उनमें झड़प भी होती है। ऐसा पहले होता था जब राजशाही थी, अब तो लोकतंत्र, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर भटकते भटकते पहुंच जाते हैं कुल्लू मनाली। वहां पे हिडिंब का राज था और हिडिंब का उनके साथ युद्ध होता है। उस युद्ध में भीम हिडिंब की हत्या कर देते हैं, उनका वध कर देते हैं। हिडिंब तो मर जाते हैं। अब उनकी एक बहन होती है हिडिंबा, और उन समय यह रिवाज था किसी स्त्रियों को उससे शादी करनी पड़ती थी जो उनके राज्य को जीत लेता था। अब हिडिंबा ठहरी बेचारी, भाई था उसका एक, वो मारा जा चुका था, तो वह युधिष्ठिर के चरणों में पड़ गई, बोली कि मेरे भाई की मृत्यु के पश्चात अब मैं अकेली हो गई हूं, अब मेरी रक्षा कौन करेगा, जीवन भर मैं कैसे रहूंगी, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए युधिष्ठिर भीम को आज्ञा देते हैं कि तुमने इसको जीत लिया है, इसको गंधर्व विवाह करो इससे। तो भीम और हिडिंबा की शादी हो जाती है। अब हिडिंबा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच के विषय में आप यकीनन जानते होंगे। घटोत्कच भीम का पुत्र था और महाभारत के युद्ध में भी वह पांडवों की तरफ से लड़ा था। वह एक विशाल काय था, उसका शरीर बहुत विशाल था, क्योंकि एक तो आदिवासी जाति से था, दूसरा भीम उसके पिता थे। तो उनके मिलन से एक बहुत ही शक्तिशाली पुत्र का जन्म हुआ था जो कि घटोत्कच था। वह कौरवों की सेना पर टूट पड़ा था। अब यह देखते हुए दुर्योधन ने कर्ण को बोला, कर्ण ने उस पर वार किया, एक शक्तिशाली तीर छोड़ा जिससे कि घटोत्कच की मृत्यु हुई थी। अब जब वह मर रहा था तो भगवान कृष्ण ने इशारा किया था कि तुम बहुत विशाल काय हो, मृत्यु तो तुम्हारी होने वाली है, तो तुम कौरवों की सेना पर ही गिर जाना। अब घटोत्कच कौरवों की सेना पर गिर जाता है धड़ाम से, और बहुत सारे सैनिक कौरव सेना के कुचले जाते हैं। घटोत्कच की मृत्यु हो जाती है। अब घटोत्कच का एक पुत्र था जिसका नाम था बर्बरीक। यह बर्बरीक बहुत वीर था और इसे वरदान में 3 तीर मिले थे। एक तीर चलाता तो वह निशान लगा देता था, दूसरे तीर से जहां निशान लगे थे वहां पे भेद दिया जाता था। वह घटोत्कच की मृत्यु के बाद उसने सोचा कि मैं भी क्यों ना इस युद्ध में भाग लूं, आखिर यह हमारे परिवार की ही लड़ाई है। उसने इसके लिए अपनी माँ हिडिंबा से आज्ञा मांगी। अब हिडिंबा ने कहा, बेटा ठीक है, तुम युद्ध के लिए जाओ, तुम्हारे पिता तो शहीद हो गए हैं। तो उसने कहा, माता मुझे एक चीज बताइए, दुर्योधन आदि जो हैं कौरव वह भी मेरे दादा हैं, भीम आदि युधिष्ठिर हैं वह भी मेरे दादा हैं, और उन दोनों के मध्य युद्ध है, तो मुझे किसकी तरफ से लड़ना चाहिए। अब उसकी माता ने सोचा कि कौरव तो 100 हैं, उनके साथ बड़े बड़े राजा हैं, सेना है बड़ी, और पांडव 5 हैं केवल, उनके साथ इतनी सेना भी नहीं है। तो उसने सोचा सीधा सीधा नाम नहीं लेती, क्योंकि उस समय मान मर्यादाएं होती थी, कुल की परंपराएं होती थी। सीधा यदि वह कहती पांडवों का साथ दो तो यह न्याय के खिलाफ था, क्योंकि कुल तो एक ही था, कौरव पांडव दोनों भाई भाई ही थे। तो उसने कहा, जो तुम्हें हारता हुआ दिखाई दे उसकी मदद करना, क्योंकि उसे शक था कि पांडव हार सकते हैं क्योंकि वह संख्या में कम है। तो अब बर्बरीक चल देता है कुरुक्षेत्र के लिए। रास्ते में वह युद्ध भूमि पर पहुंच गया। भगवान कृष्ण ने अपनी माया से देख लिया, अंतर्मन में देख लिया कि बर्बरीक है बड़ा वीर, यदि यह कौरवों के पक्ष में आ गया
तो फिर यह पांडवों को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इसके पास जो तीर थे वो अचूक थे, रामबाण की तरह चलने के बाद, ब्रह्मास्त्र की तरह चलने के बाद फिर वह वापस नहीं मुड़ते। तो वह ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, तो वह कहता है मैं युद्ध में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। अब श्री कृष्ण तो बड़े छलिया थे, उन्होंने उसे बातों में बहलाया फुसलाया और पूछा कि तुम एक बालक हो, अभी इतने बड़े नहीं हो, तुम्हारी आयु भी कोई ज्यादा नहीं है, एक किशोर अवस्था में हो तुम, और बड़े बड़े योद्धाओं के बीच में तुम मारे जाओगे, तो वापस घर लौट जाओ, तुम्हारी माता भी अकेली है। तो यह बातें सुनकर बर्बरीक को शक हो जाता है कि यह ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि उसे श्री कृष्ण के बारे में उसे भी जानकारी थी थोड़ी बहुत, उनके मुख का तेज देखकर, उनके हाव भाव देखकर, उनके पास उनके समीप इतनी शांति का एहसास पाकर बर्बरीक हाथ जोड़ लेता है कि हे पितामह, आप श्री कृष्ण हैं। तो कृष्ण जी अपने असली रूप में आ जाते हैं और वह कहते हैं ठीक है बेटा, तुझे युद्ध तो करना है, लेकिन तू मुझे परीक्षा दे कि मुझे पता चले कि तू युद्ध में कहीं मारा ना जाए युवा अवस्था में। अब बर्बरीक अपने तीरों का परीक्षण करता है, वहां एक पीपल का पेड़ था, वह पहला तीर चलाता है तो पीपल पर जितने भी पत्ते लगे थे सब पर निशान लग गए। अब श्री कृष्ण से वह कहता है कि अब मैं दूसरा तीर चलाऊंगा तो जिस जिस पत्ते पर निशान लगा है वो सभी भेद दिए जाएंगे। श्री कृष्ण परीक्षा के लिए पीपल का एक पत्ता तोड़ लेते हैं और अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं और कहते हैं अब चलाओ तीर। बर्बरीक जैसे ही दूसरा तीर चलाता है, पीपल पर जितने भी पत्ते थे सभी के तीर आर पार हो जाते हैं। श्री कृष्ण अपना पैर उठा के देखते हैं तो पैर के नीचे भी जो पत्ता था वह भी खंडित हो चुका था तीर के वार से। अब श्री कृष्ण को यकीन हो जाता है कि यदि यह पांडवों के खिलाफ लड़ा तो यह तो एक ही वार में सभी पांडवों का नाश कर देगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं बेटा मैं तेरा पिता मैं हूं, और इस युद्ध जब से यह युद्ध शुरू हुआ है तो रणवेदी पर, रणचंडी पर कोई बलि नहीं चढ़ी है। तो वह बर्बरीक कहता है कि पितामह तो क्या आज्ञा है मेरे लिए। तो वह कहते हैं इस रणचंडी पर तुम्हें अपना सर चढ़ाना होगा। अब बड़े के बुजुर्ग की आज्ञा मानकर बर्बरीक तलवार निकाल के अपना सर काट के और उसके चरणों में डाल देता है। यह करने के पश्चात श्री कृष्ण जी अब निश्चिंत हो गए थे कि अब पांडव युद्ध में नहीं हारेंगे। तो वह बर्बरीक को कहते हैं कि तू इस शिला पर मैं तेरा सर रख देता हूं, तू पूरा युद्ध देख और अच्छाई बुराई न्याय जो कुछ भी है वह हम तुझे बाद में पूछेंगे, तूने मेरे कहने से अपने शीश का दान किया है इसलिए कलयुग में मेरे ही नाम से तेरी पूजा होगी, अब तुझे बर्बरीक के नाम से नहीं जाना जाएगा, तुझे श्याम के नाम से जाना जाएगा और श्री कृष्ण के रूप में तेरी पूजा होगी, मेरी सारी शक्तियां तुम्हारे साथ रहेंगी। और इसके पश्चात खाटू नामक स्थान में एक दिन उनका सर मिलता है, क्योंकि ग्रामीण जो वहां गायें चराते थे वो गायें चराने जंगल में जाते हैं, एक जगह पर एक गाय खड़ी होकर थनों से अपने आप दूध निकलने लग जाता है। तो यह देखकर वह पशुपालक आश्चर्य से भर जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, वह अन्य लोगों को बुलाते हैं। उस जगह की खुदाई करने पर खाटू श्याम का यानी कि श्याम जी का यानी कि बर्बरीक का सर निकलता है। अब वो सोचते हैं इस सर का क्या करें, तो वह उसे स्थापित कर देते हैं। आज उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर है जिसकी ख्याति विश्व में पहुंच चुकी है। तो यह तो थी खाटू श्याम की कुछ जानकारियां। अब इनकी साधना के विषय में बता देता हूं बेटा, इनकी साधना करने के लिए आपको इनकी एक मूर्ति की जरूरत पड़ेगी, तस्वीर की जरूरत पड़ेगी। एक सुंदर तस्वीर आप लाइए जिसमें इनके गले में फूलों की माला हो, मस्तक पे मुकुट हो, ऐसी प्रतिमा लाकर आप स्थापित कीजिए अपने घर में।
अब उस तस्वीर के आगे आपको दीपक जला लेना है, जोत आपको प्रतिदिन जलानी है। 41 दिन तक यह साधना चलेगी, 41 दिन तक अखंड जोत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको दरबार चलाना है, कोई नॉर्मल आप भक्ति नहीं करनी है, अब आपको बनना है तांत्रिक, एक भगत, एक सिद्ध। तो 41 दिन यह अखंड जोत आपकी चलेगी। इसके अलावा भोग में इनको अग्नि पर भोग दिया जाएगा, आप गोबर के कंडे उपले या फिर लकड़ी की आग बना सकते हैं, उस अग्नि पर चूरमे का भोग दिया जाता है, और चूरमा आपको प्रतिदिन एक चम्मच बनाना है केवल, ज्यादा चूरमा मत बनाइएगा। हाँ, वैसे आपको खाना है प्रसाद के लिए, अपने घर में बांटना है फैमिली में, तो आप ज्यादा बना सकते हैं, नहीं तो एक चम्मच चूरमा भोग के लिए काफी है। उस आग पर आप एक चम्मच चूरमा डालेंगे, दो चम्मच उस पर घी डालेंगे, घी डालते ही उस अग्नि से धुनी निकलेगी, धुआं निकलेगा, और वह धुनी जैसे ही निकलने लगे, आपको अपने अखंड दीपक से एक तीली में जोत जला लेनी है, आग जला लेनी है, और इस भोग में छोड़ देनी है, इसको जला देना है, प्रज्वलित कर देना है। जैसे ही धुआं उठता है, आपको अपने अखंड जोत से ही रोज इसको भोग को जलाना है, वहीं से दीपक से जोत की लो लेके किसी तीली से माचिस की, और यहां लगा लेना है। तो ऐसे इनको भोग दिया जाएगा, जब तक 41 दिन साधना होगी, आप मन से, वचन से, कर्म से तीनों रूप से शुद्ध रहेंगे, क्योंकि बेटा यह गलती को बकसते नहीं है, इतना ध्यान रखना, आपको शुद्ध रहना होगा मन से, मन में गलत विचार नहीं होना चाहिए, वचन से आप किसी को गलत नहीं बोलेंगे, दुर्भावना नहीं प्रकट करेंगे, कर्म से आपको शुद्ध रहना है, यानी कि शरीर से 41 दिन ब्रह्मचर्य रहेंगी बेटी सुकुल सुनंदा, यह आपको स्मरण करना होगा, ठीक है बेटा। अब मंत्र के विषय में बता देता हूं, इनके दो मंत्र हैं जो हम साधना के दौरान यूज करते थे सुबह। एक तो इनका मुख्य मंत्र है जो है ओम श्री श्याम देवाय नमः। यह मंत्र ऐसा है कि आपको यदि साधना में सफलता नहीं मिलती है तो इस मंत्र के द्वारा आप साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और एक इनका गायत्री मंत्र है जो हमें दिया गया था, हमने गायत्री मंत्र के द्वारा इनकी सिद्धि की थी। वह मंत्र होता है ओम मोरवी नंदनाय विद्मेह श्याम देवाय धीमहि तन्नो बर्बरिक प्रचोदयात्। तो यह इनका जो है गायत्री मंत्र है, श्री श्याम गायत्री मंत्र इसको बोलते हैं। हमने सालों साल इसका अभ्यास किया था, इसी मंत्र के द्वारा जागृत किया था। और दूसरा मंत्र ओम श्री श्याम देवाय नमः, सुबह एक मंत्र जाप करते थे, शाम को एक मंत्र जाप करते थे। आपको इनमें से एक मंत्र चुन लेना है, और उसका जाप किस सुर में करना है, किस स्वर में करना है, वह मैं बता देता हूं टोन आपको, जैसा हम सुबह करते थे। इस मंत्र को आप ऐसे जपेंगे, पहले आपको सांस भर लेना है छाती में और पेट में, जैसे मैं बोलता हूं बेटा वैसे ही जाप करिएगा। ओम श्री श्याम देवाय नमः, 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 ओम श्री श्याम देवाय नमः। आपका टोन बिल्कुल यही रहना चाहिए, ओम श्री श्याम देवाय नमः, 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 ऐसे बोलिएगा। मंत्र मैंने दे दिया, अब इनकी स्तुति बहुत जरूरी होती है, स्तुति भी आपको करनी पड़ेगी। हम जिस तरीके से स्तुति गाते थे वह भी मैं बता देता हूं आपको अपने मुखवृंद से। तो स्तुति अनिवार्य है, प्रतिदिन स्तुति और जाप और आरती, तीन चीज अनिवार्य होती हैं खाटू श्याम के लिए। स्तुति कौन सी होती है आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी, सर्च कर लेना श्री श्याम स्तुति। और एक बार मैं बता देता हूं कहीं आप कुछ और ना उठा के जप करने लगो, स्तुति होती है इनकी ऐसे, हाथ जोड़ विनती करूं मेरी सुनियो जी महाराज, और दास आ गए शरण में
बाबा रखियो या की लाज। धन्य डंडारो देश है दजे खाटू नगर सुजान, अनुपम छवि श्री श्याम जी की दर्शन से कल्याण। श्याम श्याम मैं रटू और श्याम है जीवन प्राण, श्री श्याम भगत जग में बड़े उनको करूं प्रणाम। यह इनकी स्तुति होती है। ये लाइनें जो मैंने बोली है यह आप मिला लीजिएगा, क्योंकि यदि सिद्धि करनी है तो आपको बिल्कुल नियम से और गुरु के वचन पे चलना पड़ेगा। इनकी आरती भी मैं बता देता हूं, क्योंकि आरती भी कई प्रकार से है, लेकिन इनकी जो मेन आरती है जो हम अपनी साधना में यूज करते थे वह है, ओम श्री श्याम हरे बाबा जय श्री श्याम हरे, खाटू धाम विराजत खाटू धाम विराजत, अनुपम रूप धरे बाबा जय श्री श्याम हरे। यह इनकी आरती होती है, इसको आपको प्रतिदिन कर लेना है। अब इनकी सेवा कैसे करनी है दिन में, इनके जब सेवा करने चले आप तो आपके भीतर द्वेष घृणा इनका त्याग कर देना होगा। पूर्णतः श्रद्धा भाव से अपने मंदिर में आप पूजा करेंगे, पूजा स्थल पे आपके घर में जहां भी आप पूजा करते हैं। इनको कच्चा दूध बहुत पसंद है, गाय का, वो भी कच्चा दूध आपको लाना होगा। एक चम्मच कच्चा दूध चाहिएगा खाली। उसका क्या करना है आपको, गाय का ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आजकल शहरों में गाय का मिलने से नहीं मिलता है, और गाय के नाम से आपको दे भी देते हैं तो वो गाय का होता है या नहीं होता, अमेरिकन गाय का होता है, भैंस का होता है, दूधियों का कोई गारंटी नहीं होती, दूध वाले का आजकल कोई मैं नहीं कह सकता हूँ, आजकल तो मेवा भी नकली मिठाई भी बनती है। तो इसके लिए आपके पास जो भी दूध है कोई दिक्कत नहीं, एक गिलास पानी का लेंगे, उसमें प्रतिदिन एक चम्मच दूध का डाल के दो चार मिश्री के दाने डाल के और इसको रख देंगे आप उनके दीपक के पास जहां पूजा करेंगे। सुबह प्रतिदिन आपको ऐसा रखना है गिलास को, और पूरा दिन वह रखा रहना है। जब गिलास पानी का रखे तो बोलिए, हे काटू श्याम, हे मेरे श्याम, हे मेरे बाबा, यह जल है, इसको आप ग्रहण कीजिएगा। तो उसको रख देना है, अगले दिन सुबह उसको खुद ही पी जाना है पूरे के पूरे को, और फिर नया जल रख देना है। उसी तरह एक चम्मच दूध दो चार मिश्री के दाने डाल के, तो यह आपको करना है। इसमें सेवा बहुत अच्छी तरह से होती है। इनको आप पेड़े का भी भोग लगा सकते हैं, मावा मावा का, पेड़े का, तो यह आप अपनी क्षमता अनुसार लगाइए, नहीं तो दूध में पानी दूध और मिश्री रख के रखिए। तो यह आपको करना है। अब आपको संकल्प कैसे लेना है वह मैं बता देता हूं। हाथ में जल लीजिएगा दाएं हाथ में आसन पे बैठ के, आपको बोलना है, हे पूर्ण परमात्मा, हे भगवान श्री कृष्ण, आपको साक्षी मानकर मैं संकल्प लेती हूं कि मैं, अपना नाम लीजिए, अपने पति का नाम, जहां रहती है उस जगह का नाम, अपने गोत्र का नाम, आज संकल्प लेती हूं कि अगले 41 दिन तक बाबा काटू श्याम की सेवा और साधना करूंगी। यह साधना मैं अपने गुरु योगी आनंद जी के आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा से कर रही हूं। इस साधना का 10% हिस्सा मैं अपने गुरु को समर्पित करती हूं, इसका 90% हिस्सा मैं बाबा काटू श्याम को समर्पित करती हूं। मुझे उनकी सिद्धि चाहिए, मुझे उनका अंश चाहिए। कोई ज्यादा कोई मामला नहीं है, कोई तामझाम नहीं है, कोई ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, सीधा सीधा उनकी सिद्धि चाहिए। मैं चौकी लगाना चाहती हूँ, दरबार लगाना चाहती हूँ, ताकि अन्य लोगों का कल्याण कर सकूं और स्वयं का भी कल्याण कर सकूं, अपना यह लोक और अगम लोक अगला लोक सुधार सकूं। साधना में कोई गलती हो जाए तो भूल चूक माफ करिए, बच्चा जानकर मुझे क्षमा कर दीजिए। अब जल जमीन पर छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, एक कागज ले लेना है, आपको एक कॉपी से एक कागज निकालेंगे, लाल पेन से उस पर आपको लिखना है, ओम श्री श्याम देवाय नमः, मैं बाबा काटू श्याम आपकी सिद्धि चाहती हूं, आपका दरबार लगाना चाहती हूं, आपके अंश मुझे प्रदान करें। ऐसा लिख लेंगे उस कागज पे, और उसको जैसे चिट्ठी को फोल्ड करते हैं ऐसे चिट्ठी के रूप में उसको बना लेंगे। एक सूखा नारियल लेंगे,
उस सूखे नारियल के साथ उस पेन को भी और उस कागज को भी फोल्ड किए हुए को और 21 रुपए, ये तीनों चीजें उस नारियल के साथ मोली लेके यानी के कलावा उसके साथ बांध के रख लेंगे जहां आप पूजा करेंगे। 41वें दिन सिद्धि प्राप्त हो जाने के पश्चात इसको आपको खाटू श्याम मंदिर में पहुंचाना है। आप सेवा पहुंचाइए या किसी को भेज सकते हैं, या फिर आपके आसपास कोई खाटू श्याम का मंदिर हो तो वहां इसको चढ़ा सकते हैं। यदि खाटू श्याम का आसपास मंदिर नहीं है, आप उत्तर पूर्व के राज्यों में रहते हैं या दक्षिण के राज्यों में रहते हैं या किसी विदेश में रहते हैं, दूसरे देश में रहते हैं, तो फिर आप भगवान श्री कृष्ण का जहां भी मंदिर हो आप वहां भी चढ़ा सकते हैं। यह मनोकामना आपकी पूर्ण होगी क्योंकि आपने बिल्कुल नियम से यह क्रिया की है, अर्जी लगाई है। तो यह चीज हो गई, मंत्र हो गया, इनका स्तुति हो गया, इनका भोग हो गया, इनके संकल्प हो गया। तो यह सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। यह आप पूर्ण रूप से पूर्ण प्रेम से इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना को करने के पश्चात आपको बाबा खाटू श्याम की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। फिर आप आराम से अपने चौकी अपना दरबार जो चाहे लगा सकते हैं। तो खाटू श्याम की साधना में आज इतना ही। इसके अलावा जो भगतजन जिनको हमारे वीडियो अच्छी लगती हैं, हम जो बातें बताते हैं, जो ज्ञान की बातें बताते हैं, वह जिन्हें पसंद आती है, और जो भी भगत हमारी आर्थिक मदद करना चाहते हैं, हमारे ट्रस्ट शिवानंद आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार में कुछ योगदान देना चाहते हैं, कुछ दान देना चाहते हैं, ऐसे भगत विरले ही होते हैं जो दान करते हैं, क्योंकि दान देने से ही धन बढ़ता है। और हरिद्वार में हमारे शिवानंद आश्रम ट्रस्ट में यदि आपको अपनी इच्छा अनुसार, अपनी खुशी से, अपनी अक्षमता से जो कुछ भी आपकी इच्छा हो उतना आप दान कर सकते हैं। हमने अपने ट्रस्ट का अकाउंट नंबर और QR कोड स्क्रीन पर डाल दिया है। अब जिसकी भी इच्छा हो, जितनी भी इच्छा हो, कोई दबाव नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, गुप्त दान है यह, और गुप्त दान महादान, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप डाल सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं। बाबा खाटू श्याम की साधना करके आपको सिद्धि प्राप्त करनी है, उसके लिए यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर उसके लिए दीक्षा लेनी हो या कोई सलाह लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन पर लिखा ही हुआ है। आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए खाटू श्याम साधना लिख के, खाटू श्याम साधना लिखेंगे वैसे ही आपसे तुरंत आधे घंटे में, एक घंटे में, दो घंटे में आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। जो भी आपके सवाल है, जो कुछ भी आपकी शंका है, जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं रंग के विषय में, दिशा के विषय में, आसन के विषय में, माला के विषय में, भोग के विषय में, जिस भी विषय में आप जानना चाहते हम आपको पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे बेटा। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। खाटू श्याम की सिद्धि बहुत फलित होती है क्योंकि हमने अपने जीवन में किशोर अवस्था में ही 14-15 साल की उम्र में यह साधना कर ली थी, और तब हमारे बहुत शुद्ध विचार होते थे और उग्र विचार होते थे। भूत प्रेत जिन नशाण चुड़ैल उस व्यक्ति के सामने ठहर नहीं सकता है जो बाबा खाटू श्याम की सिद्धि कर लेता है, उसकी आंखों में 5 मिनट नहीं देख सकता है भूत प्रेत वाला व्यक्ति। इनके साथ बाबा बालाजी यानी कि हनुमान जी जरूर चलते हैं। जैसे ही खाटू श्याम के चौकी लगते हैं, दरबार लगता है, उसकी रक्षा बालाजी स्वयं करते हैं। मेहंदीपुर बालाजी यानी कि हनुमान जी उनके चाकर हैं, ये सेवक हैं, तो यह है इनके दरबार की रक्षा करते हैं। भूत प्रेत जिन मसान को तो हनुमान जी अपनी गदा के प्रहार से, अपनी मुष्टिका के प्रहार से ऐसा पीट देते हैं कि वह दोबारा वापिस नहीं आता है। और खाटू श्याम के सामना हो जाए तो फिर ये तो हारे के सहारा है, जो हारता है उसी का साथ देते हैं। कई लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी हमारे परिवार के लोग, कुटुंब कबीले के लोग हमें परेशान करते रहते हैं, हमारे ऊपर तंत्र कराते रहते हैं, हमारे प्रॉपर्टी पर अधिकार करना चाहते हैं, हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, दुश्मन बहुत कष्ट दे रहे हैं।
तो ऐसे लोगों को खाटू श्याम की साधना करनी चाहिए, क्योंकि इनकी साधना ऑटोमेट है। यदि आप सही है, न्यायपूर्ण है आपका स्थिति, तो यह आपके दुश्मनों को पटक देते हैं आपके बिना ही मर्जी के। आपको तो पता तब चलता है जब किसी का कुछ ना कुछ अमंगल हो जाता है, किसी को सजा मिल लेती है, दंड दे देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को खाटू श्याम की साधना करने की मैं सलाह दूंगा, जिनके की दुश्मन काफी हैं, बिजनेस राइवल हैं, या फिर कुटुंब परिवार के लोग ही उन्हें पीड़ित कर रहे हैं, तो बाबा खाटू श्याम की साधना उन्हें करनी चाहिए। लेकिन एक बात का फिर से ध्यान दिलाना चाहता हूं, ये देना जानते हैं तो लेना भी जानते हैं। मिनट भर की देर नहीं लगाते हैं दंड देने में। यदि आपसे कोई भूल हो जाती है, इनके साधना करते समय पूजा आदि में इनके प्याज लहसुन मांस मदिरा इन चीजों का प्रयोग नहीं होता है। सात्विक चीजें आपको खानी पड़ती हैं। 41 दिन संभोग नहीं करना होता है, बिल्कुल ब्रह्मचारी के रूप में आपको रहना होता है। प्रतिदिन नहाना होता है, शुद्ध कपड़े पहनने होते हैं, घर में धूनी रखनी होती है। और एक बात जो अंतिम बात है, जो कि आप मंत्र जाप कर लेंगे, स्तुति गा लेंगे, आरती कर लेंगे, भोग दे लेंगे, उसके पश्चात आपको प्रतिदिन एक गुलाब का फूल जरूर चाहिएगा नित्य, और वह लाल गुलाब होना चाहिए, खुशबूदार ताजा। वह आपको खाटू श्याम के चरणों में रख देना है प्रतिदिन साधना के उपरांत, और माफी मांगनी है कि हे खाटू श्याम, हे बाबा, हे मेरे पिता, जो भी कुछ गलती हो गई है कृपा माफ कीजिए। देखिए, इन्हें गुलाब का फूल बहुत ज्यादा पसंद है। इनके जो है सजावट जो होती है वो गुलाब के फूलों से ही होती है। बहुत खुशबू में रहने वाले देवता हैं, तो आपके पूजा कक्ष में हमेशा खुशबू रहनी चाहिए। गुलाब का फूल चढ़ाना अनिवार्य होता है, क्योंकि एक गुलाब का फूल आप चढ़ाते हैं तो यह आपकी गलती को तुरंत माफ कर देते हैं। यह ऐसे भी प्रेमी देवता है। तो गुलाब का फूल प्रतिदिन आपको चढ़ाना है साधना के उपरांत, और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेनी है। इन गुलाब के फूलों को आप इकट्ठा करते रहेंगे, साधना के 41वें दिन इनको हवन की सामग्री में मिलाया जाता है। ठीक है बेटा, तो यह इनकी साधना मैंने बता दी। कुछ भी समझ में ना आया हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओम श्री श्याम देवाय नमः, 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 ओम श्री श्याम देवाय नमः।